नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक केस स्टडी है जिसमें 60 डेज का सेल्स का डेटा है और हम ये देखना चाहते हैं कि जो सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट और ई कॉमर्स एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस होता है या नहीं। दोनों ही डेटा हमारा मैट्रिक फॉर्म में है और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की कंडीशन भी यही होती है कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे के सारे हमारे मैट्रिक फॉर्म में ही होने चाहिए, मतलब डेटा हमने रेशियो या इंटरवल स्केल में ही बनाया हो। ठीक है, अब इसका जो है थोड़ा सा हमने डेटा का नेचर समझने के लिए सेल्स और एडवर्टाइजिंग में हमने एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। हालांकि इसको जो है हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि सेल्स वाले को हम ऊपर ले लें और एडवर्टाइजिंग को नीचे ले लें, क्योंकि अभी कोरिलेशन दिखा रहे हैं, इसमें अभी हम कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसा रिलेशनशिप हमने नहीं देखना चाह रहे हैं। केवल हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनके अंदर कोरिलेशन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर जा रहा है। डिस्काउंट के साथ भी देखा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है और इसमें भी पॉजिटिव है, लेकिन कोई ऐसा शो ट्रेंड शो नहीं कर रहा है। अब जो ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, ये हमारी जो ना ओरिजिनल फाइल थी जिसको जो है हमने ये माई डेटा में कर लिया कन्वर्ट। ये यहाँ पे जो है ना पूरी हमारी ये यही फाइल, ये या मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर हमको ये वाली फाइल ही टाइप करनी थी। तो ये जो है पूरी फाइल माई डेटा, इसको ना हमने पूरे को माई डेटा में कन्वर्ट कर लिया और फिर स्ट्रक्चर किया जिससे हम ये समझ जाए कि डेटा का जो नेचर क्या है। तो उसमें चार डेटा है हमारे पास वेरिएबल है न्यूमेरिक ही फॉर्म में, सेल्स का, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट और ई कॉमर्स का। टोटल 60 ऑब्जर्वेशन है फोर वेरिएबल्स। फिर जो है हमने मॉडल बनाया, ये हमारा जो है मेन स्क्रिप्ट होगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का, जिसमें LM का मतलब लीनियर मॉडल, सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा यहाँ पर जो है पहला डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे हम, और जो है फिर इसको जो हम कंपेयर कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट या ई कॉमर्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो ये सीक्वेंसिंग होगी मॉडल को रन करने के लिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा पहला वेरिएबल है जैसे सेल, यहाँ पर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल ही रखना है और बाकी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सीक्वेंस ये होनी चाहिए साइड में। ठीक, और ये डेटा हमारा माई डेटा है। तो इस तरीके से ये इंटरसेप्ट आ गया और ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है तीनों के तीनों। ये अनस्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए मेन मॉडल में जो है हम रॉ डेटा को ही, जो अनस्टैंडर्ड फॉर्म जो बीटा होता है B1 B2 B3 उसी को करते हैं। जो स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम अपने मॉडल में इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं रखते, यही हमारा मेन जो है ये मॉडल है। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास जो है रेजिडुअल्स की डिस्पर्सनेस के बारे में आ गया, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और थर्ड क्वार्टाइल। और अब हम यहाँ पर जो मेन हमारा जो टेबल आया है वो ये है, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये आ गया, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ये आ गया, और जब हमने इसको जो है ये टी वैल्यू जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये टी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6। अब ये तीनों वैल्यू 1.96 से ज़्यादा है, इसका मतलब है 1.96 से जब वैल्यू ज़्यादा होगी, जब हम 5% पर लेकर चलते हैं तो वो पी वैल्यू हमेशा 0.05 से कम होगी। देखेंगे, ये देखिए तीनों वैल्यू हमारी 0.05 से कम है ना, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा मॉडल है वो फिट है और तीनों के तीनों वेरिएबल जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करने के। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 7, 8, 10 ले लेते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि सारे के सारे कंट्रीब्यूट करें इक्वली, हो सकता है उसमें से 4 कंट्रीब्यूट करें, तो वही हमारा जो 4 वेरिएबल हम अगर लेंगे तो वही हमारा मेन मॉडल होगा, बाकी को वो जो है एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये हमने डेटा का जो है कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन के लिए जो है एक जैसे ये फार अवे एक ये वाला जो पैकेज है ये हमें इंस्टॉल कर लेना चाहिए जिससे हम डेटा की मल्टीपोलरिटी भी निकाल सकें। तो अभी जो है हमने डेटा का कोरिलेशन देखिए इस तरीके से निकाला, ये कोरिलेशन आ गया आपस में, और इसको क्योंकि राउंड में हमने लिखना है, क्योंकि काफ़ी
ज्यादा इसमें संख्या है, तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया राउंड कोरिलेशन माय डेटा और ये 2 लिख दिया, तो ये 2 यहाँ पर हमारे पास डिजिट आ गए। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे 2 की जगह तो ये 0.4 ही आएगा, 0.6 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे तो ये 0.473 तीन डिजिट को शो करेगा, ठीक है। तो ये हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अब एज्यूम्स जो है, एक तो मल्टी क्वालिटी का है हमारा, जो मैंने अभी यहाँ पर टेस्ट करके बताया था कि डेटा हमारा जो है वो उसमें कोई क्वालिटी का इशू नहीं आना चाहिए। जो VIF है, वेरियंस इन्फ्लेक्टेड फैक्टर जो है हमारा, ये इसकी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यूज हमारी देखिए 5 से कम है, तो डेटा में कोई मल्टी क्वालिटी का इशू नहीं है। अब हम लीनियरिटी देखते हैं कि डेटा हमारा लीनियर है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, हमने डेटा का लीनियरिटी के लिए ये जो आउटपुट आया था, इसमें जो ये जीरो के जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जीरो की लाइन डॉटेड दिखा रहे हैं, तो रेड लाइन भी हमारे सारे इसके आसपास होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा हमारा लीनियर है। नॉर्मलिटी एक सेकेंड अज्यूम्पशन है, इस सारे ऑब्जर्वेशन जो एरर टर्म्स के हैं वो इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होने चाहिए, जो कि नज़र आ रहे हैं थोड़ा सा डाइवर्स है डेटा। फिर है ये होमोस्कडास्टिसिटी। होमोस्कडास्टिसिटी का मतलब है कि डेटा की जो डिस्पर्सनेस है इस रेड लाइन से अबव और बिलो सेम होनी चाहिए। जितने डेटा के डिस्पर्सनेस ऊपर है उतने की नीचे, जैसे यहाँ देखिए ऊपर है इतना ही हमारा यहाँ नीचे है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा होमोजीनियस है। और ये जो है कुक्स डिस्टेंस, हम बेसिकली जो इन्फ्लुएंशियल केसेस है या जिसे हम कहते हैं कि जो आउटलायर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है कुक्स डिस्टेंस के ग्राफ को शो करते हैं। और इसमें हमारा एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है जो पॉइंट जो अपर राइट ट्राइंगल जो हम देख रहे हैं इसके अंदर हो, या अब इसके अंदर एक भी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू जैसे 34 अगर यहाँ ना शो करके इसके अंदर आ जाती तो हम इसको इन्फ्लुएंशियल केस कह के उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जो है, जैसे हमने कहा कि हम सारे ग्राफ्स को एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो ये PAR और MFRO इक्वल टू C2/2, ठीक है ना, और फिर हमने प्लॉट मॉडल किया तो चारों के चारों ग्राफ एक साथ बन जाएंगे। ये इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। फिर इसका सिंगल प्लॉट अगर हमें करना है फिर MFRO C11 लिखें, फिर हम जब सिंगल प्लॉट करेंगे तो हमारे पास सारे एक एक वेरिएबल आ जाएंगे। अब इस मॉडल की हमें जो है रिपोर्टिंग कैसे करनी है, रिपोर्टिंग में हमें ये लिखना है कि हमारे जो है कि एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट ई कॉमर्स एक्टिविटी क्या सिग्निफिकेंटली मोबाइल की सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं। तो जो रिजल्ट हमें बता रहा है कि 56% जो है मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 और 56, और एफ वैल्यू हमारी कितनी आई है 23.3 और पी वैल्यू 0.05। तो ये वैल्यूज कहाँ से आई थी, देखिए ये हम एक बार और चेक कर लें, जो हमारे पास आउटकम आया था मॉडल का समरी करके वो यहाँ से आया था। ये देखिए मॉडल में इन्होंने जो एक्सपीरियंस जो किया है, क्या कहते हैं 55% एक्सप्लेन्ड वेरियंस इन, और नॉट एक्सप्लेन कितना हो जाएगा 100 - 0.5568, ठीक है 55.68। ये हमारा एफ वैल्यू आ गई, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 56, और ये पी वैल्यू ओवरऑल जो मॉडल है हमारा वो फिट है, और ये एडजस्टेड आर स्क्वायर। और इसका रूल तब होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का, अगर हमारे पास ज्यादा वेरिएबल होते तो ये इसको स्टॉप कर देता है एडजस्टेड स्क्वायर, कि आगे अगर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल में आ रहा है वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, वेरिएंस को तो चेंज कर रहा है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली नहीं कर रहा है, तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें ये चीज बताती है। अब देखिए ये आगे हमारा रिपोर्टिंग के लिए जो मेन मॉडल हमें जो शो करना है वो इस तरीके से करना है कि जो मोबाइल का जो सेल्स है ये हमने यहाँ पर लिखा दिस, ये इंटरसेप्ट माइनस 53.731 इंटू एडवर्टाइजिंग प्लस दिस इंटू डिस्काउंट प्लस दिस इंटू, ये हमारा मेन मॉडल है। अब मान लीजिए अगर हमारे इसमें 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते और केवल 3 ही आते तो हम इनको 3 को ही लिखते, तो उसी को हम कहते कि ये हमारा मॉडल है। अगर चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते तब हम कहते वही हमारा मॉडल है मेन, ठीक है, 6 को उसने एक्सक्लूड कर दिया था। थैंक यू वेरी मच।